राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली, लेकिन इसमें बड़ी बात आपको बता दें कि उन्हें तुरंत ही इस मामले में बेल भी दे गई। दरअसल मोदी सरनेम वाले उनके बयान पर सूरत कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, उनके मोदी सरनेम को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उनका कहना था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। सभी चारों का सरनेम मोदी क्यों, इस बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई थी। केस दर्ज हुआ था कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मामले में, उन्हें दोषी करार भी दिया गया है। गुजरात की सूरत सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। राहुल को कोर्ट से तुरंत 30 दिनों की जमानत मिल गई। कोर्ट ने राहुल को इसी समय में ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। राहुल ने 2019 में कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था। राहुल के इस बयान को पूरे मोदी समाज का अपमान बताते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। गुजरात की सूरत कोर्ट ने 4 साल पुराने इस मामले में गुरुवार को आज राहुल गांधी को दोषी ठहराया। कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे। इस दौरान गुजरात कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। राहुल गांधी आज ही दिल्ली से सूरत पहुंचे थे और अब हालांकि 30 दिनों के लिए उन्हें जमानत मिल गई है। कोर्ट ने राहुल को इस समय ऊपरी अदालत में भी अर्जी दाखिल करने का वक्त दिया है। वे इस दौरान परमानेंट बेल के लिए भी राहुल गांधी आवेदन कर सकते हैं।